अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ब्लैक पेपर ड्राई चिकन, जो बहुत टेस्टी रेसिपी है और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। आप कुछ अलग खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गैस के ऊपर यहाँ पर एक पैन रखा है, इसमें डालेंगे 4 साबुत लाल मिर्च। मिर्चों को कुछ देर तक हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, कुछ सेकेंड तक। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून काली मिर्च। सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती और इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। और गैस का फ्लेम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो रखना है। तो देखिए यहाँ पर मसाले का कलर चेंज हो गया है, तो गैस को बंद कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीस लेंगे। मसाले को हल्का ठंडा करके ही पीसे, नहीं तो ये बारीक नहीं होगा। मसाला यहाँ पर एकदम बारीक हो चुका है, तो इसको एक साइड रखेंगे। गैस के ऊपर फिर से पैन रख दिया है, यहाँ पर डाल देंगे 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे इसमें हम। ऑयल जब यहाँ पर गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1/4 टी स्पून सौंफ डाल देंगे। सौंफ को हल्का सा पकने देंगे तेल के अंदर, इसका कलर चेंज नहीं होने देना है हमें, सिर्फ हल्का सा इसको चटकने देना है। अब यहाँ पर डाल देंगे 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर हमें गोल्डन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें नमक अभी शामिल कर देंगे, जिससे ये प्याज का जो मॉइस्चर है जल्दी से सोख लेगा और प्याज बहुत जल्दी यहाँ पर गोल्डन हो जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे हम नमक। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर नमक शामिल कर दें। थोड़ा कड़ी पत्ता भी यहाँ पर डाल देंगे और अच्छे से यहाँ पर प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज जो है गोल्डन होनी शुरू हो गई है, यानी कि लाइट गोल्डन हो गई है। तो अब इसमें डाल देंगे हम 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून चुका है और प्याज भी अच्छा गोल्डन हो चुका है, तो इतना ही गोल्डन हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। तो अब जो चिकन है वो धोकर जो हमने रखा है वो इसमें हम डाल देंगे। तो 750 ग्राम हमने यहाँ पर चिकन लिया है और जो लेग पीस है उसमें इस तरीके से कट लगा लिए हैं, तो ये इसमें हम डाल देंगे। चिकन है जो है उसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ और प्याज के साथ फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देखें यहाँ पर कि चिकन पे हल्के निशान आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको फ्राई करना है कि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। अब यहाँ पर डालते हैं हम मसाला जो हमने तैयार करके रखा था, अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। मसाला डालते ही आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी। मसाला बहुत ही टेस्टी होता है ये। आप कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी बेस्ट है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। ये मसाला बहुत ज़बरदस्त होता है, इससे बनी हुई रेसिपी बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हमने इस मसाले को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कप पानी। तो यहाँ पर छोटे छोटे उबाल आने लगे हैं, तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और अब लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे करीब 15 से 16 मिनट तक, जब तक कि चिकन अच्छे से गल नहीं आता। और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारी रेसिपी कैसे तैयार हुई। यहाँ पर हो गए हैं 15 मिनट और इसको हमने बीच बीच में 1 से 2 बार चला भी दिया था। पानी भी काफी हद तक खुश्क हो चुका है यहाँ पर। अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और देखें यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है। तो जैसा कि ये ड्राई ब्लैक पेपर चिकन है, तो इसको हम पानी को खुश्क कर लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे 7 से 8 कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ हरा धनिया यहाँ पर डाल देंगे, करीब 1 मुट्ठी हरा धनिया हमने यहाँ पर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सारा पानी जो है ड्राई हो चुका है एकदम, पे से हम सर्व कर लेंगे। मजेदार सा बेहतरीन हमारा चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी बना है। तो यहाँ पर हमारा ड्राई ब्लैक पेपर चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे नींबू के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपकी फैमिली में सबको ही बेहद पसंद आएगी और बहुत जल्दी से ये बन भी जाती है।
तो रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।